नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज जिले से खास खबर, ग्राम प्रधान व अधिकारी की मिली भगत से फर्जी तौर तरीके से हुई जांच और करवाए गए हस्ताक्षर। एक बार फिर ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। प्रयागराज विकास खंड शंकरगढ़ तहसील बारा के ग्राम सभा ओठनी सहरार में ग्राम प्रधान एवं सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में शौचालय में प्रधानमंत्री आवास सड़क एवं नाली निर्माण में धांधली की गई, जिससे गरीब आज भी झोपड़ी में रहने एवं खुले में शौच जाने के मजबूर हैं। पहले तो ग्रामीण ने ग्राम प्रधान से शौचालय के लिए कहा तो प्रधान ने उनको बेसहारा समझाकर जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत BDO शंकरगढ़ तहसील बारा, उप जिलाधिकारी बारा, जिलाधिकारी प्रयागराज एवं लिखित जाँच की मांग की तो किंतु काफी समय से सभी अधिकारी नींद से मस्त थे। काफी दिन के बाद जब अधिकारियों की नींद खुली तो प्रधान की मिली भगत से बुधवार को शिकायतकर्ता को बिना किसी सूचना के जांच करने आ गए तो वहाँ शिकायतकर्ता श्री कृष्ण प्रजापत, गंगा दीन प्रजापत अपने अपने घर पर उपस्थित थे, किंतु अधिकारी उनके दरवाजे पर नहीं पहुँचे तथा अनुपस्थित लोगों के यहाँ पहुँच कर महिलाओं की उपस्थिति में जाँच करके वापस चले आए। आप लोग को बुलवाए हमसे पूछे कुछ? हाँ, पूछे हैं। क्या पूछे हैं? पूछे हैं कि इसके घर कुमार के घर कौन है, तो आप बताएं कि हम ये कुमार घर है तो कहाँ कहाँ है, हम कहीं काम पे गए हैं तो हो गए, फिर जहाँ कहो के अपन देखता के चले गए। अच्छा, और आगे क्या हुआ? अब आगे कुछ नहीं बोले, फिर चले गए। कहाँ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देखता के चले गए। कल जब अधिकारी आए थे आपसे क्या पूछा, आप क्या जाँच की? यह कहें कि अरुण कुमार का घर कौन है, तो उस पर बताएं कि है यह आए, तो फिर कुछ बोले ओले नहीं। प्रधान का भतीजे एक ठो रहे तो वो धमकी दी, कहें हम ही लोग काम करी थी, हमारे नाव BDO कैंसिट बनवा दी, तो हम कहा जाल आला काम करे के तो कहू के नाव नहीं दी, हम तो गवर्नमेंट से। तो अधिकारियों के साथ में आया था कि बाद में आया? नहीं, साथ में रहे अधिकारियों के सामने आपको धमकी दी? कई चमचा रहे। ठीक, उसका क्या नाम था? मेरा नाम श्री कृष्ण है। आपका ग्राम सभा का नाम? उटगीत अरहर है। क्या प्रॉब्लम है आपकी, समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि आज 2018 से लेकर मैं प्रॉपर सब हर एक जगह एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हमारे यहाँ का प्रधान इतना दबंग है सर कि सारी एप्लीकेशन दबा दी जाती है। अच्छा, कल कुछ अधिकारी गांव में आए थे तो वहीं प्रधान अपने चिन्हित लोगों को यहां ले गया, वहीं से अधिकारी चले भी गए और हमारे तरफ आए भी नहीं। और आपके आवास के लिए जब आप प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान जी आपको क्या कहते हैं? प्रधान जी एक बार गए थे सर, शुरू में जब प्रधान हुए थे तो ग्राम सभा सुनवे के सामने उन्होंने कहा था कि मादरचोद भाग जाओ हमारे यहाँ से, नहीं 20 जूते मारेंगे, आज के बाद मादरचोद इस दरवाजे पे दिखाई मत देना। जो गाली प्रधान ने आपको दिए थे, हाँ सर, कि आप किसी अधिकारी के पास शिकायत किए थे? हाँ सर, इसके पहले हमने अभी न्यूज चैनल पर सर, ब्रेकिंग न्यूज पर अधिकारी को वहाँ, सॉरी सर, वहाँ बारह सर SDM को दिए थे सर। अच्छा, तो SDM साहिबों ने कुछ उस पर कार्रवाई की या नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। और जो कल अधिकारी आए हुए थे, अधिकारी सर हमारे तरफ आए ही नहीं, आपकी तरफ नहीं आए? नहीं सर। उनका कहना है मतलब कि गांव में आए हुए, घूमे हुए, लेकिन आपकी तरफ नहीं आते, आखिर क्यों? आप उसमें अधिकारी को क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी को तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो अधिकारी आए इस तरह का काम किए कि हमारे दरवाजे नहीं आए, हमने पूरी हलफनामा पर पूरी एप्लीकेशन दे रखी है जिला अधिकारी को, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, सरकार से मेरी यही उम्मीद है। जी, आपने राम जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ना, हमको लाइटिंग तो मिली है, हमका समस्या ये है कि ना हमारे पास सकल हमारा पूरा घर चुहत है और हम लोग भीजे हैं छपरा में रह रहे हैं बराबर, हम लोग को समस्या ये है कि अगर भारी अगर बरसात हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग कच्चा घर में रहते हैं, पूरा घर पूरा रात ऐसे हम लोग व्यतीत करते हैं खड़े होकर। तो क्या आपने आवास के लिए प्रधान से कहें या नहीं कहें? प्रधान से हम लोग कहे हैं। तो क्या बोलते हैं प्रधान? बोलते हैं कि यहाँ
आने की कोई जरूरत नहीं है। जो अधिकारी गण कराए हुए थे जांच के लिए, क्या आपके यहाँ भी आए हुए या नहीं आए हुए? हमारे यहाँ नहीं आए हुए हैं। क्या आपको सूचना मिली थी कि नहीं मिली? नहीं मिली थी। अच्छा, तो किसके किसके यहाँ गए हुए हैं क्या बता सकते हैं? यही जो जो उनके लोग थे, उनके बहुत खास लोग थे, उन्हीं के पास जाकर सारा मामला हल करके अधिकारी लोग चले गए। अच्छा अच्छा, तो अब आप बताइए कि इस बारे में क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों को? हम अधिकारियों को तो कहना चाहता हूँ कि इन पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? समस्या हमारी सर ये कि मैं वो आवास शौचालय के लिए गांव के जनता परेशान है, पूरी जनता गांव की। मैंने प्रधान जी से बोला, गांव में रोड नाली खड़ंजा हर जगह का देख रहा हूँ कि नेट पे कितने पैसे आ रहे हैं, सारे पैसे गायब हो गए, किसी पैसे के अब मालूम नहीं पड़ रहा क्या हुआ। मैंने RTI लगाया, RTI के तहत पूरा ब्यौरा लिया गांव का। जब ब्यौरा में देखा तो रोड कागज़ पे बनी है, आज भी यहाँ एक भी गिट्टी नहीं पड़ी रास्ते में। इसके लिए आपने किसी शिकायत की? जी सर, मैंने तहसील दिवस पे एक नहीं 200 एप्लीकेशन दिया, ब्लॉक वीडियो को, शंकरगढ़ ब्लॉक में वीडियो को, और ADO पंचायत साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, इलाहाबाद प्रयागराज में DM साहब को नोटरी हलफनामा पे विथ कंप्लीट एफिडेविट दिया। इसके बारे में कोई जांच हुई? जी सर, जांच कल आई थी, हम घर पे नहीं थे, हमको किसी तरह से कोई जानकारी भी नहीं मिली। जांच अधिकारी आए, मैं बच्चे की दवा करवाने के लिए गया था, जसरा ब्लॉक में था, जिसका मेरे पास पूरा कंप्लीट कागज़ है, टीका लगा बच्चे का, मैं कागज लेके बैठा हूँ अभी भी। और अधिकारी यहाँ वहाँ से भग किया, बच्चों को मैं छोड़ दिया, वहाँ से घर भग किया, यहाँ जांच के अधिकारी गायब, किसी से कुछ पूछा भी नहीं। देख रहे हैं आप, ये गरीब बेचारे सब एफिडेविट नोटरी हलफनामा पे कागज़ दिए हैं, इनके पास एक अधिकारी आए, बोले कि ठीक है हम देख लेते हैं, कह के चले गए। कुछ आए थे लोग देख के गए कि नहीं? जी सर आए थे, लेकिन कुछ इन लोगों को नहीं बोला मैंने, इनको सबको फ़ोन करवा के भेजा कि जाके बता दो कि अधिकारी लोग गए हैं, आप मिल जाएंगे, तो किसी को आए यहाँ बस यही खड़े होके अपना फिर वापस चले गए। मतलब इनसे लोग से कुछ पूछे नहीं? समस्या पूछा इनसे, बोले ये बोले कि साहब आए तो देख ले हमारे घर द्वार कैसे हम रह रहे हैं, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। मतलब आए घूम के चले गए, घर अंदर तक नहीं देखे, क्या कहीं कुछ नहीं देखा सर, कुछ नहीं देखा। समस्याएं हैं और समस्या सर इन लोगों के सबके देख रहे हैं कैसे कैसे इनका स्थिति बनी हुई है। और आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया हमारे गदेलन के न घर न द्वार न कुछ, न शौचालय किसी शौचालय बनी आए, न कोई चीज नहीं आए। और अब जो उन्हें अधिकारी का बताई समस्या क्या है आपकी? समस्या साहब यह है कि कॉलोनी हमका दिन बनमाई न अधूरी में पड़ी। कैसे अधूरी में पड़ी है? अधूरी में पड़ी न, ओकर टेंट बेट की न मनाई है, कभी मन के पैसे सब पड़ा है साहब, पैसा तो नहीं दे दी, मतलब लेबरों को भी पैसा नहीं दिया साहब। तो पैसा आपके खाते में आया था? खाता तो मरे आवा, तब उनको क्यों पैसा दिया आपने? कहीं साहब सूद खाए ले सारे। अच्छा, साहब सूद खा ले तो हम साहब ने कहा कि उनका घर चाहे उनका पैसा नहीं। तो आपने प्रधान को पैसा दे दिया? प्रधान को पैसा सब साहब ने करा। तो आपका मकान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ, छत और डबाई ईटा सरा ईटा दे रहे उनके सर, बेकार सीमेंटो रही सब साहब फाट गए, मनमान तो अपने से, लेकिन किससे शिकायत की आपने किसी को? किसी से शिकायत देखा, शिकायत करी।